अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के निशाने पर आ गई है। इटली की एक अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि मामले में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब केंद्र सरकार के पास कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। उत्तराखंड के मसले पर घिरी केंद्र सरकार के पास अब कांग्रेस को घेरने का ब्रह्मास्त्र आ गया है, और ये अस्त्र है साल 2010 का अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाला। मामले की सुनवाई कर रही इटली की अदालत ने यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीवीआईपी चॉपर डील मामले में कोर्ट ने 225 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात साबित हुई है कि 10 से 15 डॉलर का एक हिस्सा अवैध फंड के तौर पर भारतीय अधिकारियों तक पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के टॉप 5 नेताओं के नामों का भी जिक्र किया है, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल हैं। कोर्ट की 225 पन्नों की रिपोर्ट के पेज नंबर 204 में सिग्नोरा गांधी का जिक्र है। इटालियन में सिग्नोरा को लेडी कहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर में सिग्नोरा गांधी का नाम 4 बार लिखा है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये नाम सोनिया गांधी का है। वहीं एक पेज में अहमद पटेल का भी जिक्र है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा है कि उस डील के मामले में मुख्य आरोपी ने इटली के तत्कालीन पीएम मारियो मोंटी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करने की कोशिश भी की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला है, जिसकी वजह से कांग्रेस केंद्र सरकार के निशाने पर आ गई है। साल 2010 में इटली की कंपनी फिनमेकनिका से 12 हेलीकॉप्टर का करार हुआ। सौदे की कीमत करीब 3,600 करोड़ तय की गई। डील में 360 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए जाने का खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद फिनमेकनिका के सीईओ गुइसेपे ओर्सी गिरफ्तार किए गए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एसपी त्यागी साल 2004 से 2007 तक वायुसेना प्रमुख थे। मामला सामने आने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने डील रद्द कर दी थी। वह इस मामले पर सुनवाई करते हुए इटली की अदालत मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने कंपनी फिनमेकनिका के सीईओ को दोषी करार दिया है। साथ ही तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में त्यागी कनेक्शन को छिपाने की कोशिश की गई है। बिचौलिए ने सबूतों को खत्म करने की भी कोशिश की। बातचीत के विश्लेषण के आधार पर हमें एक भारतीय अफसर के भ्रष्ट होने का पता चला, जिसकी पहचान त्यागी बंधुओं के रिश्तेदार के तौर पर हुई है। साथ ही कोर्ट ने उस वक्त की यूपीए सरकार पर तथ्यों को छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने चॉपर से जुड़े स्कैंडल के पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। अप्रैल 2013 में इटली ने भारत से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, जिसके बाद भारत ने मार्च 2014 में केवल 3 दस्तावेज उपलब्ध कराए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद साफ है कि केंद्र सरकार को अब कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। इसके लिए आज बीजेपी सांसदों की अहम बैठक भी हुई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई है। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।